मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज पटेल ने शनिवार को डाक बंगले पर विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्युत जर्जर तार व ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश जनपद सोनपुर के मुगरा बादशाहपुर नगर के डाक बंगले में मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज पटेल के बुलाने पर अधिशासी अभियंता रामानंद मिश्रा, एडीओ एसके सिंह, एडीओ आदित्य मार्कंडे, एसटीओ राहुल कुमार, जेई आशीष, जेई संदीप कुमार व जेई विवेक कुमार पहुंचे। लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों व विधायक पंकज पटेल को कस्बे के मछलीशहर रोड, रविंद्र गली, स्टेशन रोड, नई बाजार व ग्रामीण क्षेत्रों में भीगपुर फीडर, नारायण डी, कोदहू, सराय रुस्तम, राम चौकी सहित अन्य स्थानों पर जर्जर तारों के संबंध में अवगत कराया। नगर व ग्रामीण के कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के लिए भी अवगत कराया गया। विधायक पंकज पटेल ने तत्काल दो दिन के भीतर 200 मीटर तार नगर के मछलीशाह रोड व रविंद्रम गली सहित अन्य स्थानों पर बदलने का निर्देश अधिशासी अभियंता रामानंद मिश्र सहित एसडीओ राहुल कुमार को दिया, जिस पर विद्युत के अधिकारियों ने विधायक को आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र इन समस्याओं को हल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। विधायक ने कहा कि जनता की शिकायत पर कहा कि लाइन मैनों द्वारा विद्युत मीटर, ट्रांसफार्मर व तार बदलवाने के नाम पर अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कस्बे के दो लाइन मैनों की ड्यूटी लगवाने का अधिशासी अभियंता रामानंद मिश्रा को निर्देश किया। इस मौके पर सपा नेता राहुल यादव, जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मीकांत यादव, पूर्व प्रधान राजू पटेल, सादाब अंसारी, लाला यादव, राजेंद्र यादव, राजमूर्ति सरोज, तमजीद अशरफ, फरहान आलम, पीपी गुप्ता व तनवीर अहमद आदि लोग मौजूद रहे। पेश है सबकी नज़र न्यूज नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।